हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्सर का है ना कोई। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के पूरे ज़िले मीन्स 38 ज़िले में विभिन्न वैकेंसियां आ रही हैं। आपातकालीन स्थिति में हायर बेसिस निकाली जा रही है। अल्पकालीन वैकेंसी COVID-19 के रोकथाम के लिए, उसके कार्यों में तेज़ी लाने के लिए, लोगों को सहूलियत देने के लिए ये कार्य स्वास्थ्य स्तर पर ली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के तहत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन के जोर को लेकर, अन्य जो भी है ऑपरेटिंग कार्य के लिए, अन्य जितने भी स्वास्थ्य संबंधी कार्य हैं उन कार्यों में तेज़ी लाने के लिए तो काफ़ी ज़िलों में हो चुकी है और अन्य ज़िलों में बाकी है। जैसा कि शुरुआत मोतिहारी ज़िले से हुआ, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद बक्सर, बेतिया में भी देखने को मिला। इस तरह विभिन्न ज़िलों में देखने को मिला है। बहुत कम समय मिल रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफिशियल आ रहा है और लोग इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं और डायरेक्ट अगले दिन ज्वाइनिंग वगैरह मिल जा रहा है बहुत कम समय। सबसे बड़ी बात है अपडेट बनाए रखने की। किसी भी ज़िले के कैंडिडेट हैं, यह ओपन वैकेंसी है, कोई भी इसमें हायर बेसिस पे सभी कोई भाग ले सकता है। चाहे भारतीय नागरिकों से आमंत्रित किया जाता है आवेदन, न कि इंडिविजुअल कि आप जिस ज़िले के हैं उसी ज़िले के हैं जा सकते हैं। किसी भी ज़िले से हो, भारत के किसी भी कोने से हो, आप शामिल हो सकते हैं। अपने ट्रेवलिंग अलाउंसेस, अपने यात्रा वत्रा के साथ। तो काफ़ी ज़िलों के हमने अपडेट दी समय समय पर। फिर से एक अपडेट आया है, जिस ज़िले का आप वेट कर रहे थे। सबसे पहले तो यदि आप इच्छुक हैं, जरूर इस वैकेंसी में भाग लें। पूर्व के दिनों में हमने काफ़ी ज़िलों को दिखाया, मोतिहारी, मधुबनी, बक्सर, बेतिया और सीतामढ़ी के का भी दिखाया पिछले दिनों, जो कि 100 सीटें हैं। 5 जून को उसकी टाइपिंग है, ऑपरेटर की। अन्य पोस्टों के लिए अलग अलग डेट है, निर्धारित है। तो फिर से चलिए देखते हैं, ये देख सकते हैं एक और ज़िले का आया है, नालंदा। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं नालंदा ज़िले की है और 28 मई को लेटेस्ट अपडेट आई है आपातकालीन परिस्थिति में। और वही सारी बातें हैं कि 3 माह के लिए किया जाना है और इनको विभिन्न विभिन्न तिथियों में 11 बजे बिहार शरीफ के कैंपस में सिविल सर्जन के कार्यालय में प्रथम तल पर पहुंचना है। चलिए देखते हैं विभिन्न सारे पद पद की बात करें तो देख सकते हैं, विशेष चिकित्सक है, 3 पद की संख्या है, MBBS डिग्री होना चाहिए, 7,000 रुपये प्रतिदिन प्रति शिफ्ट है। 31 मई को इनका इंटरव्यू है। इसी तरह विशेष चिकित्सक MBBS सामान्य, 31 मई को इंटरव्यू है, 5,000 प्रतिदिन है, 4,000 प्रतिदिन है। अलग अलग पोस्टेज हैं, अलग अलग सैलरी है, अलग अलग योग्यताएं हैं। आयुष चिकित्सक का निकाला गया है, देख सकते हैं, 44,000 प्रतिमा। 1 जून को है इंटरव्यू। आयुर्वेद का 15, होम्योपैथ का 9, यूनानी का 6, कुल 30 है। फार्मासिस्ट का 20, नर्स का 4, प्रयोगशाला विधि का 30, ICU टेक्नीशियन का 4। तो 2 जून का है अलग अलग। इसी तरह देख सकते हैं, ये वार्ड अटेंडेंट का निकाला गया है, 20 सीटें हैं और इंटर पास होना चाहिए, 15,000 प्रतिमा है। एक्सपीरियंस है तो वरीयता मिलेगी। मल्टी पर्पस हेल्पर है, 10 सीट हैं, मैट्रिक पास होना चाहिए, अनुभव को प्राथमिकता मिलेगी, 11,500 प्रतिमा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का देख सकते हैं, 25 सीटें हैं, इंटर के साथ
अथवा स्नातक इंटर या स्नातक जो भी हो, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, 14,430 प्रति माह, कंप्यूटर सेट साइट, आपको कंप्यूटर अपना ले जाना होगा। 4 जून को है, देख सकते हैं, 4 जून को दरभंगा नालंदा में है, और 5 जून को सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी में 100 सीटें हैं, चांसेस अधिक हैं, और नालंदा में 25 सीटें हैं, तो समझ सकते हैं, ज़्यादा सीटें ज़्यादा चांसेस, कम सीटें कम चांसेस। नर्स का 40 सीटें हैं, 1500 प्रतिदिन है। नर्स ANM का 80 सीटें हैं, 1000 प्रतिदिन है। GNM के 1500, ANM का 1000। इन लोगों का 8 जून का है, लेटर वाइज है। चलिए, कुछ शर्तें हैं कि आपको यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा कोई भी। इच्छुक अभ्यर्थी को वॉक इन इंटरव्यू में फोटोयुक्त बायोडाटा, देख सकते हैं, फोटोयुक्त बायोडाटा के साथ वांछित सही प्रमाण पत्रों की सही प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति वॉक इन इंटरव्यू के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। उम्र सीमा का निर्धारण 1 मई 2021 को होगा। आयु 1855 वर्ष। सही भुगतान योग्य राशि में संशोधन विभागीय निर्देशानुसार भविष्य में किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य समिति नालंदा को विज्ञापन रद्द करने का अधिकार है, परिवर्तन करने का अधिकार है। चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थी को इंडेमनिटी बॉन्ड समर्पित करना होगा। भविष्य में संविदा नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे, नियमित नियमितीकरण का। यह COVID-19 संक्रमण के रोकथाम से बचाव के लिए पूर्णतः अस्थायी पर है, किसी का विस्तार नहीं किया जाएगा। सूचना नालंदा के ऑफिशियल साइट पर है, nalanda.nic.in पर। तो सभी चीज़ें स्पष्ट हैं, ये तो आपको नालंदा जिला का हुआ। चलिए, अन्य जिलों की और क्या क्या अपडेट हैं ये देखिए। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दरभंगा जिला का क्या स्थिति है। तो देखिए, दरभंगा जिला को 27 मई का अपडेट आया, जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा में और सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अस्पताल प्रबंधक, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक में APSC में DMU के स्थापना संचालन में सहयोग करने के संबंध में यहाँ उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के तहत लिया गया है। मतलब देखते हैं, DMU की स्थापना करें समिति के स्तर में उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पटना के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की सूचित प्रसिद्ध करते हुए आवंटित स्वास्थ्य संस्थानों में सहयोग से सहयोग निर्धारित किया गया है और 3 दिनों के उपलब्ध करना है। मतलब यहाँ DU की नियुक्ति बेल्टान के द्वारा, जो उर्मिला डॉट ऑपरेटर उर्मिला एजेंसी है, उसके द्वारा नियुक्त किया गया है। कुल मिलाकर जब नियुक्त कर ही दिया गया है तो नहीं आने की संभावना है, देख सकते हैं। असैनिक शल्य चिकित्सक जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा, तो यही वैकेंसियाँ निकाल रही है हर जिलों में, असैनिक शल्य चिकित्सक, और यहाँ ऑलरेडी और मिला के द्वारा ले लिया गया है, तो नहीं आने की संभावना है, देख सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया गया है, और देखिए पोस्टेड भी कर दिया गया है विभिन्न सारे ये कैंडिडेट हैं, एप्लीकेंट नेम है, जैसे प्रवीण कुमार, विकास कुमार, सोनू कुमार, मुरारी कुमार, मनीष कुमार, सोहन कुमार, चंदन कुमार, बबलू प्रसाद, अजय, सुजीत, नंद किशोर, प्रतिभा कुमारी, प्रदीप कुमार, पिंकी, उमेश, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। और PH नाम भी दिया है, किस हॉस्पिटल में वगैरह में किया गया है, मोबाइल नंबर दिया। जैसे देखिए, आपके यहाँ पुटई, हरतपुर,
आधारपुर, अहिया स्थान, जमालपुर, मुबी, पंचो, पोखरम, ब्रह्मपुर, घोड़दौर, रयाम, बाकीपुर, कमतौल, उजान, कठेवर, एपीएससी जितने हैं वहाँ पे पोस्टेड भी कर दिया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे बहाली कर लिया गया है सभी स्वास्थ्य केंद्र में आपदा की इस घड़ी में। तो दरभंगा का अब कम चांस है, दरभंगा जिला का में भी नहीं आ सकता है डाटा ऑपरेटर का, जब बहाली ऑलरेडी हो चुका है। तो इसी तरह बेतिया में भी आपने देखा कि जो 50 करपरक सहायकों की जॉब पंचायत में थे उनकी जॉब पोस्टेड कर दी गई स्वास्थ्य केंद्र में। तो बेतिया हो दरभंगा, यहाँ पर भी अब नहीं निकलने की संभावना है। मैं भी ऑफिशियल चेक करते रहे लेकिन कम चांसेस है जहाँ पे ले लिया गया ऑलरेडी। कुछ सहरसा से भी न्यूज आ रही है, सहरसा के अभ्यर्थी जो हैं वो देखें, ये भी असैनिक शल्य चिकित्सा के द्वारा देख सकते, सहरसा में निकाला गया है 3 माह के लिए भी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एनएम की 67 सीटें हैं और देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग का भी निकाला गया है, 5 सीटें हैं कोविड-19 के रोकथाम के लिए। और इनका 27 मई और 28 मई को इंटरव्यू था, देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह डाटा ऑपरेटर की पोस्ट निकाला जाए, डॉक्टर की पोस्ट निकाला जाए, फार्मासिस्ट की निकाला जाए, वार्ड अटेंडेंट के लिए निकाला जाए, वार्ड बॉय के लिए निकाला जाए, एनएम का निकाला जाए, जीएनएम का निकाला जाए, जहाँ जो आवश्यकताएं हैं वही चीज़ें निकाली जाती है। जहाँ पर जितनी ज़रूरत है, चाहे डॉक्टर की हो, नर्स की हो, ऑपरेटर की हो, वार्ड बॉय की, अटेंडेंट की हो, जीएनएम की, एनएम की, फार्मासिस्ट की, एमबीबीएस की, जो भी चीज़ें जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है उस ज़िले में उतनी ही पोस्ट निकाली जा रही है। उस ज़िले के जो हॉस्पिटल हैं सदर हॉस्पिटल उनके द्वारा प्राथमिक। तो यही सारी बातें आपको अपडेट देनी थी और सभी बहालियां आपको, चूँकि कोविड-19 मिली जा रही है इसलिए यह जो है आपको इसी में कार्य लिया जाएगा विभिन्न सारे स्वास्थ्य केंद्र में। और 3 माह के लिए वैकेंसी है, कोई भी 3 माह के लिए, आफ्टर 3 मंथ में भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है और नहीं तो सेवा समाप्त भी की जा सकती है, जो भी है स्पष्ट आफ्टर 3 मंथ बाद होगा। विभिन्न जिलों में प्रक्रियाएं चल रही हैं, बहुत जिलों में ज्वाइनिंग हो चुकी है, लोग कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले मोतिहारी में अप्रॉक्स 144 सीटों के लिए वैकेंसी हुई। उसके बाद आपने देखा मधुबनी में भी इंटरव्यू प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद बक्सर, जी हाँ जी दोस्तों, बक्सर में भी इंटरव्यू प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पर भी हो रही है। और उसके बाद अब सीतामढ़ी में भी निकली है, 100 सीटें हैं, कहीं जाए या नहीं जाए लेकिन सीतामढ़ी में आप लोग ज़रूर जाएं, सीतामढ़ी में चांसेस हैं आपके, ज़्यादा सीटें ज़्यादा चांसेस। अपने लैपटॉप के साथ पूरे के वीडियो देख सकते हैं, सारे स्पष्ट चीज़ें बताई गई हैं, अपने बायोडाटा के साथ, सभी प्रमाण पत्रों के साथ, ओरिजिनल और लैपटॉप ज़रूर लेकर जाएं। तो सीतामढ़ी, बक्सर, मधुबनी, नालंदा, सहरसा, दरभंगा, बेतिया, मोतिहारी, इन जिलों का तो अपडेट आ गया। अन्य जिलों के जो भी अभी बचे हुए हैं शेष जिलों, वहाँ पर भी अपडेट आनी है। अपडेट बनाए रखें, सबसे बड़ी बात अपडेट बनाए रखें, रेगुलरली अपडेट बनाए रखें,
जिस भी जिले के वेट कर रहे हैं वहाँ पर अपडेट बनाए रखें, निश्चित ही अपडेट आने वाला है। ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहें, रेगुलर लोकल न्यूज़ पढ़ते रहें, एजुकेशनल साइट को देखते रहें, कमेंट के माध्यम से पूछते रहें। आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन कि आप कमेंट करते हैं, चीज़ों को पूछते हैं, जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। और जो भी चीज़ें अस्पष्ट नहीं है पूछें कमेंट के माध्यम से। सभी के कमेंट देने की कोशिश की जाती है। सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। अधिक से अधिक लोगों को चैनल के माध्यम से जुड़े, जिससे कि सभी सूचनाएं सभी को प्राप्त हो और हौसला अफजाई करें हमें कमेंट के माध्यम से। तो यही सारी बातें थी जो आपको बतानी थी। इसके साथ ही एक अपडेट आई है कि 1600, जी हाँ दोस्तों, 1600 करपलक सहायकों की वैकेंसी आने वाली है, जो कि 26 मई के दैनिक भास्कर अगर पेपर पढ़े हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि 1600 करपलक सहायकों की जॉब आने वाली है। तो जो करपलक सहायक की जॉब वेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खुशखबरी है कि 1600 करपलक सहायक की वैकेंसी पूरे 38 ज़िलों में आनी है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी करपलक के लिए। इसके साथ ही अन्य सारे बहुत सारे वैकेंसियां अपडेट हैं उसमें। 26 मई के पेपर में आप देखेंगे कितनी वैकेंसियां फंसी हुई है, कितनी आने वाली है। तो सबसे बड़ी बात है कि अपडेट रहिए डेली, कि कहीं से भी अपडेट बनाए रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। जितना हो सके सेफ होम स्टे होम, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, COVID-19 के रूल्स को फॉलो करें, वैक्सीनेशन पर जोर दें, लोगों को प्रेरित करें टीका लें, और ज़्यादा हो सके तो लोगों की सेवा करें समर्पण भाव से, जिन्हें जो ज़रूरत है। किसी विशेष परिस्थिति में बाहर निकलें, मास्क का उपयोग करें, ग्लव्स वगैरह सैनिटाइजर लेकर चलें। सारी अपनी जाना है तो जान है, और बचाव रखें, फॉलो करें COVID-19 के रूल को। और जैसे कि अभी यास चक्रवात चल रहा है तो देख ही रहे हैं आंधी तूफान बारिश का मौसम है, तो घरों में रहें, सेफ होम स्टे होम जितना हो सके, और एहतियात बरतें, लोगों को भी बरतने की कोशिश करें, दूरी बनाए रखें। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। ये सारे आज के कुछ अपडेट थे, जैसा कि आपने सहरसा में देखा ये सारे अपडेट आए थे सहरसा में। उसके साथ ही ये पोस्टेड हुए थे दरभंगा में, विभिन्न सारे लोगों का पोस्टेड हुआ है उर्मिला के द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य विभाग में। तो यहाँ पर कम आने की संभावना है, हाल ही में हुआ है 27 मई को। तो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट अब नया नहीं आ सकता, ऑफिशियली आप बनाए रखें। और नालंदा में तो हाल ही में निकला गया है, 25 सीटें हैं और 4 जून को है, 4 जून को इंटरव्यू है सीतामढ़ी का। आपको 5 जून को है विथ लैपटॉप, लैपटॉप के साथ सभी जगह जाना है, लैपटॉप अपना और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, देख सकते हैं। फोटो युक्त
बायोडाटा के साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाण प्रति वॉक इन इंटरव्यू में 1 मई से उम्र की गणना होगी। 1855 वर्ष का सम्मिलित आयु, तो भाग ले इसमें और शामिल हो। जिला स्वास्थ्य समिति नालंदा। तीन जून, 4 जून, 5 जून। वार्ड अटेंडेंट मल्टीपर्पज डाटा इंटरप्रेटर एन। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वार्ड अटेंडेंट ऑर्डरली 20 सीटें, इंटर पास 15,000 प्रति माह। 3 जून को इंटरव्यू, मल्टीपर्पस हेल्पर 10 सीटें, मैट्रिक पास 11,500। 3 जून को इंटरव्यू। डाटा एंट्री ऑपरेटर 25 सीटें हैं, इंटर पास 14,430, कंप्यूटर सेट से 4 जून को इंटरव्यू। नर्स का जीएनएम का 40 सीटें, 5 जून को इंटरव्यू। तो भाग ले सभी में जिनकी जो योग्यताएं हैं उस हिसाब से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।